हेलो एवरीवन, सिर्फ 1 MB फ्री है, मेरे फोन में जगह ही नहीं है घूमने जा रहा हूं। मैं चश्मा पहनती हूं, रुक, मैं घूमने जा रहा हूं। चश्मा एक्सचेंज घूमने जा रहा हूं। नहीं नहीं एक्सचेंज नहीं रखा मैं, दोस्तों ने किस तरह इसमें आज प्रॉब्लम होता है। ये मेरा वाले से अभी हम लोग आए हैं, कोई क्या सुरंग सुरंग नाम है ना ढाबे का, सुगरन ढाबा। क्या है क्या है? सुगरन सुगरन ढाबा, सुगरन 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 ढाबा है। मुझे एक भी कुछ नहीं पता तो हमने इनके भरोसे छोड़ दिया, क्योंकि पूरा मेनू हिंदी में लिखा है, मुझे पढ़ना ही नहीं आता हिंदी तो बहुत डिफिकल्ट है। इसके भरोसे छोड़ दिया जो फोटो खींचा जा रहा है, पता नहीं क्या आएगा। बाकी तो लोग बड़े मजे कर रहे हैं। ये मुंबई गोवा हाईवे पे है, ये सुगरन ढाबा। रेट बहुत रिजनेबल है अकॉर्डिंग टू हिम। मेरे को तो ये भी नहीं पता चल रहा कितना ये कितना है रेट। 100-200 थाली है, 135 रुपए। हाँ तो फिर तो सस्ता ही है, ठीक है। खाना आने के बाद पता चलेगा। लंच के बाद हम निकल पड़े ऐसे ही, और काफ़ी दूर चलने के बाद ऑलमोस्ट शाम होने को है, तो हमने सोचा टी ब्रेक के लिए कहीं रुका जाए। चलेंगे बाबा, बाबा को बोला यहाँ पे बैठ के चाय पीने, पता नहीं खाने के लिए चहल पे चाय बनाने चलेंगे। क्या चाय पत्ती नहीं है, मैं ले जाता हूँ। बोला क्या कहते हैं, मैं अपनी चाय पत्ती देता हूँ। सोचा तो था कि जल्दी पहुंच जाएंगे 10-12 घंटे में, लेकिन हम लोगों को इतना टाइम लग गया पहुंचते पहुंचते कि डिनर का ही टाइम हो गया। ऑलमोस्ट रात के 12 बज रहे हैं, तो डिनर करते और क्या। बहुत ज्यादा, और अभी हम लोग फाइनली खाना खाने आए हैं और 12 बज गए, हम लोग को पहुंचने में ऑलमोस्ट 12 घंटे से भी ज्यादा लग गया।
पारस हालत खराब है बेचारा, इसी ने ड्राइव किया है। शक्ल दिखाओ। और ये बैठ बैठ के कमर सूज गई। हम दोनों ने डिसाइड किया है कि आज इसको मसाज देंगे। वो वाला पार्ट हम बाद में दिखाएंगे। बस दो मिनट के लिए तो इसको मसाज देंगे, इसमें इतना दूर ड्राइव करके हम लोगों को लेके आए हैं। गुड मॉर्निंग। ये है हमारे रूम की बालकनी और हो रही है हमारी गाड़ी। यहाँ पे एक बहुत छोटा सा चर्च है और बहुत पीसफुल है ये नॉर्थ गोवा के ये एरिया। और इतनी बड़ी बालकनी मिली है। सब रेडी हो रहे हैं। हाँ। वाह दिखाओ तुम अपना लुक। तुम मेरे तुम्हारे फोन से बनाओ, मैं तुम्हारा मेरे फोन से। मेरे फोन में चल रही नहीं है। ये डंगरी पहन के अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। पापा भी रेडी हो रहे हैं। ये मेघना सब व्लॉग सब अपने अपने व्लॉग बनाने में रेडी है। हमें कोलैब में रेस्टोरेंट मिला है, आज हम वहाँ जा रहे हैं फाइनली खाना खाने। हाय गाइस वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आज मैं हूँ एक बहुत बढ़िया जगह पे जहाँ पर सभी लोग अपनी फैमिलीज के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ, गर्लफ्रेंड्स के साथ, बॉयफ्रेंड्स के साथ आते हैं। ये जगह समुद्र के साइड पर है और बहुत ही सुंदर है, बट गर्मी बहुत है। इस जगह का नाम है गोवा। तो मैं आया हूँ बाबा के साथ, चौमिता के साथ और मेघना भी है हमारे साथ। तो हम रुके हैं बहुत बढ़िया जगह, बाद में रिजॉर्ट दिखाते हैं। सो हम फाइनली पहुंच गए हैं ओलार रेस्टोरेंट जो कि वैगेटर गोवा में है, नॉर्थ गोवा वैगेटर में ये ओलार है। और यहाँ हमें कोलैबोरेशंस के लिए मिला था और हम लोगों को फर्स्ट डे गोवा में लंच करने का मौका मिला। एंड जगह बहुत अच्छा था, काफ़ी पीसफुल था और एम्बियंस भी बहुत अच्छे थे। फूड एंड ऑल सब कुछ काफ़ी अच्छा था। हम सब ने काफ़ी सारे खाना खाए जो कि फ्री में मिला था। और समुंदर नहीं देखा तो फिर क्या ही देखा। सो फाइनली समुंदर देखने को मिला और हम पहुंच गए वैगेटर बीच। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और गर्मी भी बहुत है बाहर, बट फिर भी समुंदर पे जा रहे हैं। मजा आएगा। ये बीच तो बहुत ही सुंदर है। हमने सुना तो था कि वैगेटर साइट काफ़ी शांत रहता है और ये बीच में काफ़ी पत्थर भी है इसका एंट्रेंस। शायद हम लोग जहाँ पे पार्किंग किया था वहाँ से एंट्रेंस थोड़ा सा पत्थरों के बीच से आना पड़ता है, बट वाटर इज़ वेरी क्लीन और बहुत सुंदर लग रहा है। हटो। यहाँ पहुँच कर हम लोगों ने ले लिया है शैक क्योंकि काफ़ी ज़्यादा धूप है तो धूप से बिल्कुल जल जाते हैं, इतना ज़्यादा धूप है। और अभी सन भी एकदम सर के ऊपर है तो हमने शैक ले लिया है वहाँ पर। बहुत ज़्यादा तो क्राउड नहीं है, एकदम खाली खाली सा है। हमने ये दो और दो शैक ले लिया है। जितना कॉन्टेंट उसके ऊपर
ये भी इस पे जाएगा, ये वेटिंग में है, क्या करना है? आने के बाद इन लोग वापस आने के बाद इन लोग अभी फोन फोटो शेयरिंग यही करने आए हो तुम लोग सिर्फ? अरे ये फिर देती नहीं है फोटो भैया, कब से तो मैं कितना तीन जगह से ट्राई कर चुकी हूँ, अब तुम्हारे फोन की गलती हमारी नहीं है। पहले बाहर जाएंगी पूरा चार्ज खत्म करके पिक्चर्स वगैरह जो भी है वो खींचेंगी, फिर रूम पे आएंगी, फिर फोन चार्ज करेंगी, फिर फोन फ्री में फोटोज ट्रांसफर करेंगे, फिर बाहर जाएंगे। यही प्लान था तुम्हारा? मेरा तो वैसे प्लान कोई था नहीं, कुछ और सोच के आई थी, लेकिन वो होता कुछ और ही है। हाँ यार कितनी गर्मी है यहाँ पे, सबकी शक्ल देखो एकदम काला काला धब्बा हो गया है हम लोग। तो तुम वो लाइट से तुम को दिख रहे हो तो तुम भी काले हो गए हो। बहन ये क्या है? वो ये बहन है। जब बोला उसने देखा भी मेरी तरफ। मैंने तो दिखा रही हूँ कि बहन को बोला देखा भी उसने मेरे तरफ ही। बहन सिस्टर प्लीज क्या करूँ? Let it be in waiting, 2 minutes दे भी आएगा। तू दर। सामने फोन उसने सामने। फोटो ट्रांसफर हो गया, मोबाइल भी चार्ज हो गया। अब हम फिर निकल लिए शाम को कहीं पे, रात का टाइम है, सो लेट्स सी कहाँ एक्सप्लोर करते हैं, कहीं तक कहीं तो जाएंगे। फिलहाल तो बस बिना किसी सोच से निकल लिए, देखते हैं पारस हमें कहाँ लेके जाते हैं। लग ही नहीं रहा है बिल्कुल भी कि न्यू ईयर है। बाप रे, मैं एक आज से 5-7 साल पहले आई थी तो इतना भीड़ था, समझ नहीं आ। आज रात का लास्ट क्रेविंग्स है केक टेस्ट करना, क्योंकि गोवा की एक बेकरी है वहाँ पे हम लोग आए हुए हैं प्लम केक को टेस्ट करने। सो इन दोनों ने कोई तो केक ऑर्डर किया है, मैंने प्लम केक ऑर्डर किया है और घर के लिए भी ले लिया है। सो आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।